डॉग्स का उनके सर को टिल्ट करने का मतलब क्या होता है? क्या वो सिर्फ क्यूट दिखने के लिए ऐसा कर रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई रीजन है? नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में एंड आज हम जानेंगे ऐसे कुछ रीजंस डॉग्स के उनके सर को टिल्ट करने का। वैसे तो डॉग्स हमारे दोस्त काफी लंबे समय से हैं, बट फिर भी आज तक हम उनके बिहेवियर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान पाए हैं। वो हमारे कितने अच्छे कंपेनियन होते हैं, चाहे हम कहीं ट्रैक पर या फिर कहीं दूसरी एडवेंचरस जगहों पर या फिर घर पे ही हमारे साथ खेलना क्यों ना हो, वो हर जगह हमारा साथ देते हैं। अगर आपके पास एक पपी है तो अब तक तो आपने उनके बारे में काफ़ी कुछ समझ लिया होगा, बट फिर भी अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए मिस्ट्री है, जैसे डॉग्स का सर को टिल्ट करना। बट डॉग्स आखिर ऐसा करते क्यों हैं? हाँ, देखने में तो उनका ऐसा करना काफ़ी क्यूट लगता है, बट क्या आप जानते हैं इसके पीछे कुछ और रीजंस भी हैं, जैसे वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ रीजंस ये जानने के लिए कि आपका पपी सर को टिल्ट क्यों कर रहा है, वो है पहला, और अच्छे से समझने के लिए। अगर देखा जाए तो डॉग्स अपने सर को इसलिए टिल्ट करते हैं ताकि उनके आपको सुनने और समझने में हेल्प मिले। वो ऐसा करके साउंड को और अच्छे से सुनने की और पहचानने की कोशिश करते हैं। अब ये तो आपको पता ही होगा कि डॉग्स की सुनने की क्षमता ह्यूमन से काफ़ी बेटर होती है, बिकॉज उनके ईयर्स के बड़े रेंज की फ्रीक्वेंसी को कैप्चर कर सकते हैं। आप भी कभी अगर किसी को अच्छे से सुनने के लिए अपने ईयर्स को टिल्ट करते होंगे, उसी तरह डॉग्स भी अपने ईयर्स को या फिर सर को टिल्ट करते हैं। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके पपी ने किसी स्ट्रेंज आवाज़ को सुना हो एंड वो उसे और अच्छे से जानने के लिए, उस आवाज़ को पहचानने के लिए ऐसा कर रहा हो, क्योंकि डॉग्स होते ही बड़े क्यूरियस हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है, ऐसा करके वो अच्छे से देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पास पग या फिर दूसरे जो फ्लैट फेस डॉग ब्रीड्स हैं या फिर नहीं है, तो आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे डॉग्स का नोज उनके विजन से काफ़ी बार टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो हेड टिल्ट करके किसी चीज़ को अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। वैसे तो उनकी आंखें ऐसे डिस्टॉर्शन को संभाल लेती हैं, बट कभी कभार एक क्लियर व्यू के लिए डॉग्स को ऐसा करना पड़ता है। अक्सर डॉग्स के नोज का पार्ट उन्हें उनके विजन के एंगल से थोड़ी नीचे की चीज़ों को देखने में परेशानी खड़ी करता है, इसलिए वो हेड टिल्ट करके अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम लास्ट रीजन पर जाए, मैं आपको कुछ ऐसी वीडियोस दिखाना चाहता हूं जहां आप डॉग को हेड टिल्ट करते हुए देख सकते हैं। अब आप वीडियोस को देखकर कमेंट करके बताइए कि पहले जो दो रीजन हमने अभी डिस्कस किए हैं उनमें से कौन से रीजन की वजह से वो डॉग हेड टिल्ट कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपने वो वीडियो देख ली होगी और कमेंट भी कर दिया होगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा रीज़न है, डॉग्स कुछ वर्ड्स को सुनने एंड समझने के लिए सर को टिल्ट करते हैं। आपने ये देखा होगा कि जब आप अपने पपी से बात करते हैं तब कुछ वर्ड्स को सुनकर वो अपने सर को टिल्ट करते हैं, जैसे फूड, पार्क, वॉक, ऐसे वर्ड्स जो आप उनके साथ यूजुअली यूज़ करते हैं बात करते वक्त, तो वो टिल्ट करके थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं ताकि वो अपने फेवरेट वर्ड को समझ सके, क्योंकि ये वर्ड्स उनके लिए बहुत मीनिंगफुल होते हैं, इसलिए वो सर टिल्ट करके समझने की कोशिश करते हैं।
आपका पपी अपने सर को इसलिए भी टिल्ट करते हैं बिकॉज़ आपने उनके फेवरेट वर्ड से राइम होते हुए कोई वर्ड को बोला होगा एंड उन्हें वो समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए वो ध्यान से सुनकर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आपने फूड बोला है या मूड। तो इस क्वेश्चन का आंसर कि आखिर डॉग्स अपने हेड को टिल्ट क्यों करते हैं, इसके दो आंसर हो सकते हैं। पहला, वो अपने नोज़ के बीच में आने की वजह से जो विजन डिस्टॉर्शन होता है उसको क्लियर से देखने के लिए ऐसा करते होंगे, या फिर जो आपने कहा उसे और अच्छे से समझने के लिए ऐसा करते होंगे। अब कौन सा जवाब कहाँ यूज़ होता है वो तो सिचुएशन पर और आप अपने पपी को कितना अच्छे से जानते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये वीडियो और भी डॉग मम्स एंड डैड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने पपी को और अच्छे से जान पाए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।